न्यू एपिसोड ऑफ स्नीकर टॉक्स एंड कैसे हो सब यार। तो यार हमने अभी तक सिर्फ एक एपिसोड बनाया था स्नीकर टॉक्स का एंड वो एक ही एपिसोड में आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया। आप लोग के रेगुलर मुझे डीएम्स एंड कमेंट्स लाइव स्ट्रीम पे आते रहते कि भाई स्नीकर टॉक्स का एपिसोड 2 कब आएगा। सो गाइस आई एम फाइनली बैक विद स्नीकर टॉक्स। सो आज का जो शो होने वाला है, जैसे कि मैंने आप सबको पता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से एक पोल किया था दैट स्नीकर टॉक्स EP2 में आपको कौन सा शो देखना है। सो आप में से 70% ऑफ द पीपल सेड कि आपको यीजीज़ की जगह एयर जॉर्डन्स देखने हैं। सो मैंने कहा ठीक है, वॉट एवर यू गाइज वांट टू सी आई विल गेट इट फॉर यू। सो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। लेट मी शो यू द शू फर्स्ट। सो लेट्स गेट इट अनबॉक्स गाइज, खोलते हैं इसको एंड लेट मी शो इट टू यू एट विच शू इट इज। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ द शू गाइज, आप इधर देख सकते हो। इट्स एयर जॉर्डन 1, इट्स एयर जॉर्डन 1 हाई जूम एयर रेसर ब्लू कलर वे एंड एज यू कैन सी माई साइज इज USA 13. How does this shoe looks in hand in real life? So let me unbox this for you guys. So yeah guys, aap dekh sakte ho, that's how it looks. Bad girl, I just wouldn't be cuffing that girl, not that girl, cause she can't make up her mind, but I'll still fuck from time to time. Look at how she walk when she walk to me. So guys, as you can see these shoes, these look so pretty. जो इनकी OG laces इनके साथ आती है, those are white, but I don't like white, क्योंकि यार white shoe के साथ white laces don't go that well. So मैंने इसको अपने हिसाब से customize करा है, जो मैं दिखाऊंगा आपको. So white and grey का यार पूरे shoe पे आपको covered पूरा काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। इट हैज़ गॉट अ जूम लेबल एयर, क्योंकि दिस इज़ अ जूम टेक्नोलॉजी शू, जिसमें नाइकी अपनी जूम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। आपने और भी नॉर्मल शूज़ देखे होंगे नाइकी के, बट दिस इज़ वन ऑफ एयर जॉर्डन वंस जिसमें नाइकी जूम टेक्नोलॉजी है, जो इस शू की बेस्ट चीज़ है। देखो इतना ब्यूटीफुल शू है, आपने अभी तक इसकी बेस्ट चीज़ नहीं देखी, ऐसा क्या है इसमें जो इतना अच्छा है। सो आई विल शो इट टू यू यार, ये देखो, लुक एट द सोल। आई नो ये भी थोड़ा गंदा हो गया है, आई हैव क्लीन इट वंस अगेन, क्योंकि मैंने को एक बार पहन के देखना था जिससे मैं आप लोगों को बता पाऊँ यार एक्चुअली में शू कंफर्टेबल है कि नहीं है। बस दिखा मतलब दिखने का रिव्यू ना दे पाऊँ। लंदन में एक शू लेस कंपनी है विच इज़ कॉल्ड स्लिकीज, आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम देयर एंड मैं सारी लेसेस वहीं से मंगाता हूँ। सो गाइज नाउ फाइनली कमिंग अप टू द प्राइसिंग ऑफ द शू। ये शू 2020 मार्च में रिलीज हुआ था। सो एज ऑफ नाउ दिस शू वैल्यूज एट $305 विदाउट कस्टम्स एंड टैक्सेस, जो कि USA में एज ऑफ नाउ सी एज यू कैन सी आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। सो अभी $305। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। सो गाइज अभी इसकी वैल्यू $305 है स्टॉक एक्स पे। स्टॉक एक्स इज अ मार्केट प्लेस जहाँ आप कोई भी शू, एनी मॉडल, एनी शू यू कैन गेट एट वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेज इन द वर्ल्ड। सो इट्स एट $305 विदाउट कस्टम्स एंड टैक्सेस। सो इसके बाद शिपिंग में आपको दिखाता हूँ कार्ट में कितने का पड़ता है शू हमें। सो एज आई क्लिक ऑन दिस, सो हेयर इज द फाइनल कार्ड जो अपनी इसमें यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटीज $106, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो 35-40% कस्टम ड्यूटीज लगती है। प्रोसेसिंग फी इज $9 एंड शिपिंग इज $30। सो $450 का इशू पड़ रहा है, विच इज़ समवेयर अराउंड 35,000-40,000 रुपीज़ की एक शू की प्राइसिंग है इंडिया में। एंड आपको 35-40 के बीच में मिल जाएगा ये शू अगर आपको किसी को भी लेना है। सो मैंने ये शू हाइप स्टॉप इंडिया से लिया था, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ही ओनली डील्स इन लेजेंड स्टफ एंड ही इज ऑथेंटिकेटेड बाय मी। सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कॉज 125K पे आप सबके लिए एक क्रेजी स्नीकर गिवअवे होने वाला है। सो सी यू गाइस देन, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट नाइट।